नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पाल्मिस्ट्री के अंजलन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे क्रूस का साइन। क्रूस का साइन हस्तरेखा में कहां पर शुभ माना जाता है, उसके प्रभाव कितने अच्छे होते हैं और किस जगह पर इसका प्रभाव नेगेटिव भी माना जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आइए अपने हाथ की तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। यह हमारी आयु रेखा, जिसको हम जीवन रेखा बोलते हैं। यह हमारी मस्तिष्क रेखा, जिसको हम दिमाग की रेखा बोलते हैं। यह हमारी हृदय रेखा, दिल की रेखा होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले क्रोस का साइन बनता है कैसे? जैसे ये क्रोस का साइन है, ये काफी शुभ फल देता है। कहां पर? ये गुरु के क्षेत्र है। अगर गुरु के क्षेत्र पे ये क्रोस का साइन बनता है, ये काफी शुभ प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है गुरु के पर्वत पे। वैसे तो हर जगह पे इसका प्रभाव इतना नेगेटिव माना जाता है, लेकिन यहां पे शुभ और सुख समृद्धि वाला रेखा माना जाता है ये जो चिन्ह है। ऐसे लोगों का जो वैवाहिक जीवन होता है ना, काफी आनंदमय होता है, काफी खुशियां पूर्ण होती है, काफी एक दूसरे के सपोर्टर होते हैं। ऐसे लोगों का जो पत्नी होती है, सपोर्ट करने वाली होती है। और ऐसे लोगों को जो वैवाहिक जीवन होता है ना, काफी आनंदित होता है। और ऐसे लोग की जो शादी होती है ना, काफी दान और दहेज भी मिलता है। ऐसे लोगों का जो वैवाहिक जीवन है, अगर ये हमारी हृदय रेखा यहां तक पहुंचती भी है, ऐसे लोगों का जो माइंड होता है काफी तेज होता है। एक दूसरे को गाइड करने वाले होते हैं, एक दूसरे को संचालन करने वाले होते हैं। परिवार इनका सक्षम होता है, ज्ञान देने वाले होते हैं। यहां पर एक नेगेटिव साइन मिलता है। ऐसे लोगों को एक बार सिर में चोट लगती है, ये नेगेटिव साइन माना जाता है। और यहां पर अगर जैसे ये क्रॉस का साइन बनता है हमारे इस सन के पर्वत के नीचे, यहां पर ये अच्छा फल नहीं देता है। और यहां पर क्या करता है, रेपुटेशन को खराब करता है, मान सम्मान में गिरावट करता है। अगर यहीं पर ये दीप भी बन जाए तो क्या करता है, आपको बदनामी की तरफ लेके जाता है, आपके ऊपर धब्बा लगा देता है। ऐसे लोगों की यश प्राप्ति करने में या धन कमाने में, नाम कमाने में काफी दिक्कतें महसूस होती है। और ऐसे लोगों को जो जिंदगी है, स्ट्रगल में काफी बीतती है। अब स्ट्रगल बीतती है, ये हमारा जो सन का क्षेत्र है, ये हमारी सफलताओं का सूचक माना जाता है। लेकिन ये बुरे चिन्ह हमारी जो सफलताएं हैं उसमें अवरोधक का काम करते हैं। अब यहां पर ये क्रोस का साइन बनता है, ये क्रोस का साइन जो हमारे शनि के माउंट पे या हमारी ये जो शनि के माउंट के नीचे जो हमारी हार्ट लाइन है और ये हमारी माइंड लाइन है, इसके बीच में बनता है। तो ऐसे लोग काफी सच्चे व्यक्ति होते हैं, जिंदगी में इनको झूठ नहीं बोलना आता, हर चीज के लिए प्रयास करते रहते हैं, सच का सामना करते हैं, निरंतर हमेशा लगे होते हैं सच्चाई को दिखाने के लिए, लेकिन पैसा अधिक मात्रा में नहीं कमा पाते हैं। अब ये पैसा कब कमाएंगे उसके बारे में देखते हैं। जैसे मान लो ये हमारी क्रोस के साइन में एक हमारी ये भाग रेखा मिल जाती है, पैसे के उद्गम के बारे में यहां पर अंदेशा दे रही है। और ये भाग रेखा इस क्रोस के तिल को, इस क्रोस के साइन को बढ़ा रही है पावर को। अब यहां से एक साइन इसी रेखा के साथ जुड़ के हमारी भाग रेखा में पहुंच गई। ऐसे लोगों का जो भाग है फिर प्रबल हो जाता है, जिंदगी के हर वो लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। अब यहां पर जो क्रोस का साइन है, ये जो क्रोस का साइन था, अब ये क्रोस का साइन ये हमारे
हृदय रेखा और हमारे मस्तिष्क रेखा में प्रॉपर टच करना चाहिए। जब तक ये टच नहीं करेगा इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों का जो विकास होगा ना रुक जाता है। अब यहां से इसी हमारे क्रोस से एक साइन ये मंगल के क्षेत्र पे चलेगी। क्या करता है मंगल? आपके पराक्रम को बढ़ा रहा है, आपकी शक्ति को बढ़ा रहा है। और ये शक्ति कहां पे जा रही है? इस रेखा का फल जो मस्तिष्क रेखा का है वो हमारी सूर्य रेखा की तरफ प्रखर कर रहा है। ये सूर्य की तरफ ये प्रखर कर रहा है। इसका मतलब जिंदगी में आप मिलिट्री से जुड़े हुए, आर्मी से जुड़े हुए बड़े पद के बारे में बताता है, पदोन्नत करवा देता है। ऐसे यहां पर क्रोस का बना हुआ चिन्ह भाग्य में वृद्धि किया। भाग रेखा ने मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के साथ ये क्रोस मिलकर आपके मान और सम्मान को वृद्धि कर रहा है। एक क्रोस का साइन और देखते हैं। जैसे कि क्रोस का साइन परिवर्तित करता है, आपके भाग में परिवर्तन करता है, लेकिन उसके लिए भाग रेखा का सफल होना जरूरी है। अब ये सूर्य का माउंट है, ये सूर्य का माउंट है, यहां पर क्रोस का साइन बनता है। अब इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे आप? अब इस क्रोस के साइन के ऊपर ये भाग रेखा आपके भाग को, आपके मान को चमकाने का काम करती है, आपके प्रबलता को बढ़ाने का काम करती है। जैसे ये मस्तिष्क रेखा से एक रेखा यहां पे चलेगी, आपके हिम्मत के, आपके पराक्रम के बारे में ये दर्शा रही है रेखा। और ये दूसरी रेखा आपके इस बुद्ध के पर्वत पर पहुंच गई। बुद्ध जो होता है एक व्यापार का ग्रह माना जाता है। ऐसे लोग सफलता पाते हैं और अपने बिजनेस के दम पर, अपने मेहनत के दम पे। मंगल की रेखा आपके पराक्रम को बढ़ाया और ये जो दूसरी सन की रेखा है, ये सन की रेखा ये आपके मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया यहां पर। और ऐसे लोग हर वो सफलता प्राप्त करते हैं जो जिंदगी में एक लक्ष्य होता है उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।